हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरह से व्हाइट मुस्टैचे और व्हाइट बियर्ड इस तरह के ड्रॉ कर सकते हैं जो कि मैंने इस ड्राइंग में ड्रॉ किए हैं। इसमें आप इंडेंटिंग टेक्निक और व्हाइट जेल पेन दोनों का यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। तो लेट्स सी। सो गाइस, सिंपल सी टेक्निक है, अच्छे से समझना। सबसे पहले तो मैं इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। जो भी मतलब आपके पास कोई खाली पेन है या फिर इंडेंटिंग टूल्स हैं, अगर आपको नहीं पता इंडेंटिंग टेक्निक क्या होती है तो उसमें मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, देख लेना। बस हमने पेपर में डेप्थ लानी होती है इस तरह से, किसी भी खाली टूल का यूज़ करके पेपर के टेक्स्चर को बदलना होता है इस तरह से। और जब हम इसके ऊपर से शेडिंग करेंगे तो इसके ऊपर शेडिंग नहीं होगी, इस सरफेस के ऊपर शेडिंग नहीं होगी जो हम सरफेस को ऑप्ट कर रहे हैं, और हमको इस तरह की वाइट वाइट लाइन्स ही दिखेंगी जिसको हम इंडेंटिंग टेक्निक बोलते हैं। इसका यूज़ हम ड्राइंग में करते हैं हाइलाइट्स करने के लिए, हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए, मुस्टैचे को ड्रॉ करने के लिए, वाइट वाइट इस तरह से। जब हम इसको ब्लेंड करते हैं तो ये लाइट हो जाता है, इसके अंदर भी ग्रेफाइट या चारकोल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर चला जाता है, तो ये उतना वाइट नहीं रहता जितना हमको चाहिए होता है। जो भी हमको मान लो आप कोई भी मुस्टैचे बियर्ड ड्रॉ करने हैं उसमें काफ़ी एक्सट्रीमली वाइट एरियाज़ हैं, तो उसके ऊपर से हम जेल पेन का यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपने इंडेंटिंग की है बस उसके ऊपर से जेल पेन का यूज़ करना है आपने इस तरह से, काफ़ी अच्छे से ऑप्ट हो पाएगा क्योंकि पेपर के ऊपर काफ़ी अच्छे से ऑप्ट हो पाता है, बट ग्रेफाइट या फिर चारकोल के ऊपर इतने अच्छे से ऑप्ट नहीं हो पाता है। अगर हम सीधा ग्रेफाइट या चारकोल के ऊपर से ऑप्ट करेंगे तो वो अच्छे से ऑप्ट नहीं हो पाता है। जैसे अगर मैं ये ग्रेफाइट के ऊपर से ऑप्ट करूँ तो जेल पेन उतना अच्छे से नहीं चल पाता है जैसा अगर आप इंडेंटिंग टेक्निक के ऊपर से यूज़ करो, जैसे कि मैंने आपको पहले करके दिखाया। तो सीधा अगर आप यूज़ करते हो तो नहीं हो पाता है क्योंकि जो ग्रेफाइट या चारकोल के पार्टिकल हैं वो पेन की जो बॉल होता है उसमें घुस जाते हैं और फिर अच्छे से ऑफ नहीं हो पाता है। बट पेपर के ऊपर तो काफ़ी अच्छे से चल पाता है। मैं आपको ब्राइटनेस कम करके दिखाता हूँ, ब्राइटनेस कम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें देखो पेपर के ऊपर चल रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो पेपर के ऊपर काफ़ी अच्छे से चल रहा है, बट ग्रेफाइट या चारकोल के ऊपर से अच्छे से नहीं चल पाता है। सो इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करके हम पेपर में डेप्थ ला सकते हैं और उसके ऊपर से जेल पेन का यूज़ काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो आपने इस तरह से पहले तो इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करना है, किसी भी खाली पेन का यूज़ करके या फिर किसी भी इस तरह से मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके जिस तरह से मैंने किया उसके ऊपर से आपने पेंसिल का यूज़ करना है, तो उसमें डेप्थ आ जाएगी और ये जो डेप्थ आई है तो आपको ये वाइट वाइट से दिखेंगे हेयर। ब्लेंड करने पर ये और ज़्यादा लाइट हो जाता है, तो इसके ऊपर से आप जेल पेन का यूज़ कर सकते हैं। जेल पेन का यूज़ करके आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी आपको वाइट हेयर सॉफ्ट करने हैं, वाइट मुस्टैचेस ड्रॉ करने हैं, काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं इंडेंटिंग टेक्निक के ऊपर से। इस ड्राइंग में मैंने इसी मेथड का यूज़ किया था। सबसे पहले तो मैंने इसमें इसी मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके इंडेंटिंग कर ली, जो भी आप वाइट वाइट हल्के हल्के दिख रहे हैं आपको। उसके बाद मैंने ऊपर से इसमें ग्रेफाइट का यूज़ करके शेडिंग किया, जो भी आप वाइट वाइट देख रहे हैं। मैंने इसमें बिल्कुल भी अभी तक वाइट जेल पेन या फिर किसी और वाइट पेंसिल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, ओनली इंडेंटिंग ही है जो भी आपको दिख रही है वाइट वाइट। अभी मैं थोड़ी हेयर के डायरेक्शन में इसमें स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ 4B पेंसिल से, जो कि आप देख सकते हैं लाइटली। मुस्टैचे में काफ़ी वाइट वाइट हेयर थे तो उनको ऑप्ट करने के लिए मैंने फिर इसमें इंडेंटिंग के ऊपर से, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, उसी मेथड का मैंने इसमें यूज़ किया और काफ़ी अच्छे से जेल पेन ग्रेफाइट के ऊपर से ऑप्ट हो पाया। यूजुअली नहीं हो पाता है, आप ट्राई करके देखना, ग्रेफाइट के ऊपर से वाइट जेल पेन ऑप्ट नहीं हो पाता है। अगर आप लाइट शेडिंग करोगे, ज़्यादा डार्क करोगे तब तो हो जाता है बिल्कुल ज़्यादा डार्क में, बट लाइट में नहीं हो पाता है इस तरह से वाइट हेयर्स अगर आपको ड्रॉ करने हो। बट आप इंडेंटिंग टेक्निक पहले यूज़ करो, उसके ऊपर से जो भी आपने इंडेंटिंग किया उसके ऊपर से अगर आप इस तरह से ऑप्ट करोगे तो काफ़ी अच्छे से आप वाइट हेयर को ड्रॉ कर पाओगे। मैंने फर्स्ट टाइम इस टेक्निक का यूज़ इसी ड्राइंग में किया जो कि आपने देखा, आपने और किसी ड्राइंग में नहीं देखा होगा। तो मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि इंडेंटिंग के ऊपर से अगर मैं जेल पेन का यूज़ करूँ तो काफ़ी अच्छे से ऑप्ट हो पाया, तो मुझे लगा इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनानी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि आप भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइस, बस यही मेथड था जो कि मैंने इस ड्राइंग में यूज़ किया था और काफ़ी अच्छे से, जैसे कि आपने देखा, वाइट जेल पेन का यूज़ करके, इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करके व्हाइट बियर्ड और व्हाइट मुस्टैचे आप ड्रॉ कर सकते हैं। और व्हाइट जेल पेन जो काफ़ी लोग बोल रहे थे हमारा व्हाइट जेल पेन यूज़ नहीं हो पाता है ग्रेफाइट के ऊपर से, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बियर्ड में यूज़ करना है, मुस्टैचे में यूज़ करना है। और ये आपको अपनी फोटोग्राफ में ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा व्हाइट है मुस्टैचे और बियर्ड में हेयर कितना ज़्यादा व्हाइट है, उसके हिसाब से आपको व्हाइट जेल पेन का यूज़ करना पड़ेगा, उसको ब्लेंड करना पड़ेगा, उसको इरेज करना पड़ेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपको फोटोग्राफ में से ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ किया जिस तरह से मैंने आपको दिखाया उसी तरह से आपने हर ड्राइंग में कर दिया, आपको ऑब्जर्व जरूर करना पड़ेगा कि कितना है। अगर मान लो कम है तो आप उसको थोड़ा सा जैसे कि ब्लेंड कर दो हल्का सा ब्रश का यूज़ करके ताकि वो थोड़ा लाइट हो जाए,
तो ये आपको देखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। टेक्निक्स मैंने आपको बता दिए, बाकी आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में इतना ही, विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक डू प्रैक्टिस टू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।